नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारी आपके प्रति यही दुआ है कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और भक्ति की शक्ति आपके जीवन में बनी रहे। दोस्तों, इसी आशा के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। आज हम बात करेंगे पौधों के बारे में। आजकल घरों में पेड़ पौधे कौन नहीं लगाना चाहता। पेड़ पौधे लगाने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि घर में पौधे लगाते समय भूल से भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलतियां करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है और सौभाग्य की जगह हम अपने दुर्भाग्य को खींचकर ले आते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें घर में लगाने से सुख और समृद्धि बनी रहती है, लेकिन पौधों को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। वही पौधे अगर हम जाने अनजाने में गलत दिशा में लगा देते हैं तो इसका हमारे परिवार के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करके आप अपने घर में खुशियां बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, छोटे पौधों को पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। बड़े से बड़े पेड़ अधिकतर सूर्य की रोशनी को रोक देते हैं, जिनकी वजह से घर को रोशनी और सकारात्मकता नहीं मिल पाती है। तो आप अपने घर में बड़े पेड़ अपने हिसाब से इस प्रकार लगाएं कि सूर्य की रोशनी पर उन पेड़ पौधों का प्रभाव न पड़े। वास्तु शास्त्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम में नारियल का पेड़ आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर में अगर पौधे लगा रहे हैं तो इस प्रकार से लगाएं कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3-4 बजे तक पेड़ पौधों की छाया घर के ऊपर न पड़े और आप अपने घर के बिल्कुल पास में बड़े पेड़ पौधे न लगाएं, क्योंकि उनकी जड़ें भी नीम पर असर डाल सकती है, दीवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है और अन्य नुकसान भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे छोटे पौधों के बारे में, यानी आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए गमले में छोटे पौधे लगा सकते हैं, यानी आप 2 या 4 के जोड़े में या 6 के जोड़े में या इस प्रकार से ज़्यादा छोटे हैं तो आप काफ़ी सारे पौधे एक साथ गमले में लगा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखने योग्य ये भी है कि आप अपने घर पर जो पेड़ पौधे लगे हैं उनके सूखे पत्तों को आप साथ ही साथ तोड़ते रहें। अगर आपके घर में कोई कांटेदार वृक्ष लगा हुआ है और उसको हटाना मुश्किल है तो आप ऐसा करिए, तुलसी का पौधा उस वृक्ष के नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर आप कांटेदार वृक्ष को हटाने में समर्थ नहीं है तो अब हम बात करेंगे कि यदि आपके घर में खिड़कियों पर लटके हुए पौधे हैं तो उन्हें आप न रखें, क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोक देते हैं। आप अपने घर में जो भी पौधे लगा रहे हैं तो उनको सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे घर परिवार पर उन पौधों का गलत असर न पड़े, क्योंकि गलत दिशा में पेड़ पौधे लगाने से हमारे परिवार के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमें पता तक नहीं चलता है और सकारात्मकता की बजाय हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। तो दोस्तों, पेड़ पौधे लगाते समय आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। हमारी आपके प्रति यही दुआ है कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और भक्ति की शक्ति आपके जीवन में बनी रहे। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।